था ना, दरवेश खान में दम नहीं है। इंसान एक कब्र का माफिक होता है चनार खान, कोई दूसरा उसके अंदर का हाल नहीं जान सकता। तो ठीक है ना, फिर घुसता है कब्र के अंदर और जानता है कि उसके अंदर है क्या। हम भी यही सोचा है, दरवेश खान का दो दो जवान बेटा है, दो दो। अबा, एक जवान बेटी भी है। दरवेश खान को पैगाम पहुंचाओ हमारा। जरा गौर करो हुसैन बानो, जिस दिन इस दुश्मनी ने जन्म लिया था, ये बदला भी उसी दिन पैदा हो गया था। वो तो लोगों का नजर नहीं पड़ा इस पर जब नजर पड़ा तो जवान हो गया था। बड़ा मजबूत और पुराना जड़ है इसका बख्त बदला का। सो देखो, अगर इसका जड़ को काटना है तो कुर्बानी तो देना होगा ना हुसैन बानो। हम अगर सुलह का हाथ बढ़ा रहा है, थोड़ा सा झुक जाएगा और उससे दुश्मनी और कहीं खत्म हो जाता है तो क्या हो रहा है बोलो। हाँ, मगर ये दुनिया है दरवेश खान, इधर झुक जाने वाले को कमजोर समझा जाता है, कुचल देते हैं पैरों में। अब तो वो हमको डराएगा। ठीक कह रहा है तुम, ये दुनिया है, या कोई हमेशा नहीं रहा, ना कोई हमेशा रहा है ना रहेगा। रहेगा तो सब अल्लाह का नाम। देखो, अल्लाह ने इंसान को अपना नायब बना कर भेजा है, सो हमने तो अपना काम करना है। अब माड़ा, अब जो इबलीस का नायब बन जाए उसके लिए तो बस हिदायत का दुआ करो। और अगर देखो तो हमारा इस सुलह का कोशिश भी दुआ का एक अमली शक्ल है। बस अब हमारा मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। हाँ, बचा लोग को भी समझा दो। देखो हुसैन बानो, अगर हमारा दिल में जरा बराबर भी मैल आ गया ना तो दुआ का असर खत्म हो जाएगा। खुलूस का बात है सारा, इखलास का। अरे अब तो समझ लो जाने दरवेश। बंदे मारने की गिनती में इस गांव ने हमारा बड़ा साथ दिया है। दरवेश खान के बाप को हलाक करने के अलावा खामखा 8 आदमी और हलाक हो गए हमसे। अभी सालों के बाद हम इस गांव में जा रहे हैं। कोई नहीं बाबा, अब तो आना जाना लगा रहेगा। तुम हमेशा अपने बारे में सोचते हो चनार खान, सिर्फ अपने बारे में। नहीं नहीं, हम तो तुम्हारा बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो फिर ठीक है, अब दरवेश खान की लड़की का रिश्ता गुलाब खान के लिए मांगे। ऐसा कैसे बाबा, ऐसा कैसे? हमारे साथ कर रहे थे। ठीक है। क्या नौजवान? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। संगे संगे ठीक। बाय।
जमदा हमारा बेटी, एक ही बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मा बद्दूर हमारा घर का रहमत। बेशक बेशक, आओ का। देखो दरवेश खान, दुश्मनी के सांप के अंदर से जहर निकालना मुमकिन नहीं। बस एक हल है, सांप को उसकी गर्दन से पकड़ो और कुचल डालो। खान, मरने मारने का खेल छोड़ो, हम कसम खा चुका हूं, हमारे से और हमारे खानदान से तुम और तुम्हारा बच्चा लोग को कोई खतरा नहीं। दुश्मनी का कोई मजहब नहीं होता है खान। देखो, अगर हमारा दिल में ऐसा कोई बात होता, अब खुद चल के तुम्हारे घर आता, तुम्हें दावत पे बुलाता, तुम्हारा बच्चा और अपना बच्चा लोग के लिए अमन चाहता हूं, सुना चाहता हूं, सुकून के साथ। बस करो खान, आर्किटेक्ट भी हो? मेरा मतलब है मैंने बनवा लिया, अगर तुम फ्री हो तो मैं तुम्हें आके दिखाऊं। नहीं अभी नहीं, अभी घर में मेहमान आए हुए हैं, बाद में बात करते हैं। कौन आया हुआ है? सुराब खान। ये अभी दरवेश चाचा ने उसके सामने आने से मना कर दिया, ना मैं भी देखता ये भला क्या है। सुराब खान, इसकी जरूरत नहीं है, बाबा हैं संभालेंगे। दरवेश चाचा एक नेक आदमी है, दुश्मन की आंख में आंख मिला के उसके कलेजे पे हाथ डालना होता है समदा खान, ताकि वो कुछ भी करने से पहले 100 मरतबा सोचे। बस कर दो, कुछ नहीं हो रहा है सब ऐसा। मैं बाद में बात करती हूँ। सी यू। तशक्कुर खान, तशक्कुर, तुमने हमारा बात मान कर यहाँ आकर हमारा मान बढ़ाया खान, हमें बहुत अच्छा लगा। बराबर बराबर, खाना बहुत मजेदार था। क्यों चनार खान? अभी हम क्या बताएं बाबा, इस खाने में हमारा खुलूस मोहब्बत शामिल है, ये हमारा इखलास का गवाही है। दरवेश खान, अभी फासला कम करना, दोस्ती और दुश्मनी के दरमियान फासले को खत्म करना। खान, जिस दिन तुम अपने दिल से खौफ को, दुश्मनी और
वहशत को निकाल देगा, नफरत को हमारे लिए ईद का दिन होगा। सारा इलाका हमें गलत कहता है, लेकिन हमारा यकीन है कि इंसान दुश्मनी को दोस्ती में बदल सकता है। आओ खान, तुम और हम इस दहशत और वहशत का खई के रस्म को खत्म करेंगे। अच्छा बात है, हाँ बहुत अच्छा बात है, लेकिन सिर्फ बातों से नहीं, अमल करके दिखाना। यही तो खान, दोस्ती और दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदलना। तुम अपना बेटी का रिश्ता हमारे चनार खान को दे दो। खत्म, दुश्मनी दफन। आपको तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा दरवेश खान। खुदाए पामान। खुदाए पामान। पता है जब खाना उसने बनाया था तो अच्छा ही था, फिर हमसे क्यों पूछा? ऐसे ही तुमको छेड़ने के वास्ते। बाबा तुम ना सही हमारा बाप है। यार चनाब खाना, रिश्ते की बात पर दरवेश खान का अंदाज हमको अच्छा नहीं लग रहा। लग जाएगा पता बाबा, लग जाएगा पता कि उसका अंदर क्या चल रहा है। अगर उसने रिश्ते से देर किए तो हम इंतजार नहीं करेगा, खाई करेगा। शर्म भी नहीं आई उन्हें ये बात करते हुए। कहां जमदा और कहां वो गुंडा? दादा के कातिल हैं। एक तो हम उनसे बदला नहीं ले रहे, माफ कर रहे हैं उन्हें, और वो जमदा की शादी बादल से इसी हफ्ते होगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब अगर हम यहां आए गए ना, तो अब बाबा से कहें कि यहां के लोगों से उनकी जुबान में बात करें, ये इस काबिल नहीं है। बात करने की जरूरत ही क्या है, बस जमदा की शादी की तैयारी करो। ये दुनिया है दरवेश खान, इधर झुक जाने वाले को कमजोर समझा जाता है, कुचल देते हैं पैरों में। दुश्मनी का कोई मजहब नहीं होता है खान। तुम अपना बेटी का रिश्ता हमारे चनार खान को दे दो। सौफ खत्म, दुश्मनी दफन।
तुम अब तो खुशी से बाहर रहता है बादशाह खान, इधर किस चीज का कमी है तुम्हारे वास्ते? इस बार तुम आएगा तो हम तुमको वापस नहीं जाने देगा। यार हम बूढ़ा हो गया है बादशाह खान, अपने सारे बेटों को अपने सामने देखना चाहता है, अपनी आंखों के सामने, अपने पास। हा खुदाए पावा। बाबा माल बेचने में बहुत मसला हो रहा है, हुकूमत का बंदा बहुत तंग करता है। चनार खाना बाबा। राशा बच्चा राशा। जी बाबा। तो यार ये तुम्हारा छोटा भाई बहुत सादा आदमी है, बोलता है हुकूमत का बंदा तंग करता है। ओ गुलाब खाना, इसका तुम वो मत लो, वो क्या कहता है टेंशन हम संभाल लेगा सब। अभी तुम जाओ जाके दरख्त पे ऐसा कुल्हाड़ी मारो कि खून निकले उसमें से। ठीक है लाला। और आशा इधर आओ। शाबाश शाबाश जल्दी। बाबा 4 दिन हो गया आज, दरवेश खान ने अभी तक जवाब नहीं दिया। दिन गिन रहा है तुम? और नहीं तो क्या बाबा, पता नहीं अपना शादी का दिन गिन रहा है या फिर दरवेश का। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। आपको तो मैं हमेशा प्यारी लगती हूँ अम्मा। तुम बताओ कैसी लग रही हो? बहुत प्यारी, चांद का टुकड़ा। मेरी बात पे तो तुम्हें भरोसा नहीं है ना? ओहोर माँ, मजाक कर रही थी, आप तो सीरियस ही हो गई। अच्छा अच्छा चुप हो जाओ, दुल्हन ज्यादा बातें नहीं करती। थोड़ा ऊपर लगाओ सिकर। ये मत समझना बेटा कि तुम यहाँ अकेला है, पूरा गांव तुम्हारा बाराती है। इजाजत है? वो लेना सर बताओ लगा। बिस्मिल्लाह बेटा, इसको बांधो। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अल्लाह दबत नजर इस आते।
वाह दरवेश खाना वाह, हमको जवाब नहीं दिया और खुद शादी बना रहा है। अभी शादी बना नहीं है पापा। अच्छा ये तो बहुत अच्छा बात है, वैसे भी हमारे बगैर शादी कैसे हो सकता था। बारात आ गई? नहीं नहीं अभी नहीं। अच्छा दिखाओ एक बार, अम्मी ये वाली अच्छी है ना? माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। जनाब खाना। जी बाप। तुम्हें याद है दरवेश खान हमारा घर आया था दोस्ती का हाथ बढ़ा दे, हम भी तो उसका घर आया था। क्यों दरवेश खाना? और खाना भी खाया था पापा। खाना बहुत मजेदार था, और तुमने बोला था ना इस खाने में हमारा खुलूस शामिल है, इसमें हमारा मोहब्बत शामिल है। हमने गलत नहीं कहा था, हम आज भी उस बात पे कायम है। अच्छा पक्का बात? खुदा गवाह है। ये तो बहुत अच्छा बात है, पसंद आया है। और यार चरार खान बाहर जो अपना दोस्त सारा कड़ा है उसको बुलाओ अंदर यार, शादी में शिरकत कर। हमने आपको इनवाइट नहीं किया तो आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पे? चुप कर बच्चा, ऐसे बात नहीं करता। चनार खान, ओए चनार खान। हाँ बाबा। ओए बच्चे में दम है यार। हमको अच्छा लगा है। देखो बच्चा हमारा जिंदगी का एक उसूल है, सही है कि गलत है हमको नहीं मालूम, दुख हो या खुशी हो हम अपना दोस्त को और दुश्मन को अकेला नहीं छोड़ते। अभी क्या करें, हमारा दिमाग खराब है, इधर जो चीज फंस जाता है फंस जाता है। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, हम तुम्हारा टाइम जाया नहीं करेगा। तुम खुशियां मनाओ, शादी बनाओ। है यार चरार खान, देखो तुम फिर भूल गया है ना। ओ यार दरवेश खान को शादी का तोहफा तो दो। तोहफा तो देगा ना पापा, और जरूरी भी है। ऐसा तोहफा देगा कि ये क्या पूरा गांव याद रखेगा। बड़ा रहीम खान, शादी है वो फायरिंग वायरिंग करे। देखो तो राब खान ऐसा कुछ मत करना कि लोगों का अमन का सोच पे से भरोसा ही उठ जाए। यार दरवेश खान ये तो तुमको सोचते चाहिए था ना, हमने तो तुम पे भरोसा किया और गलत किया। अभी हमारे पास तोहफा देने के अलावा और कुछ नहीं। वो बादल खाना जल्दी करो, उधर वो रजा का केला फायर कर करके तो पागल हो जाएगा। हाँ ना रजा खान को तो मौका चाहिए फेर करने का। अब बिल्कुल ठीक बोला। जी मैं ठीक। ख्याल डॉक्टर को फोन करो। बाबा वो बंदूक जिंदा कर रहा था। ओ मेरा शेर जवान। अच्छा क्या तुमने, हमको अच्छा लगा है। ये क्या कर दिया तुमने खान, खुदा का वास्ता है टल जाओ। हमने कुछ नहीं किया है, वो तुम्हारा आदमी बंदूक सीधा कर रहा था, हमारे बच्चे ने उल्टा कर दिया। ओ तो
को रोको तुम्हारा बच्चा और फिर बंदूक सीधा। याद करो दरवेश खान, हमने तुमको बोला था दुश्मनी का कोई मजहब नहीं होता। ओए चनार खाना, देर नहीं करो तुम सोच दियो। ढोलक मास्टर किधर बैठो मड़ा, अब हमारा साथ संगत कर।
क्या कर रहे हो तुम लोग? उधर सबको गोली मार दी गई। अल्लाह खैर, सबको गोली मारी है उधर। जाओ जल्दी से, जाओ देखो क्या हो गया।